और बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे की करते हैं। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान सीमांत क्षेत्रों में हवाई सेवा को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। धारचूला हेलीपैड को अपग्रेड करने पर भी चर्चा हुई। रुद्रप्रयाग के जखौली में सैनिक स्कूल बनाए जाने पर भी विस्तार से बातचीत हुई। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और शाह से मुलाकात के दौरान राज्य के विकास को लेकर चर्चा की है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा हुई है। आने वाले चार धाम यात्रा को लेकर भी बातचीत हुई है पीएम से, क्योंकि पीएम की नजर होती है खासतौर पर चार धाम यात्रा को लेकर और उत्तराखंड के विकास को लेकर। ये देखिए तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी से जब पुष्कर सिंह धामी मिले उस वक्त की तस्वीरें हैं, अमित शाह से मिले उस वक्त की तस्वीर, और राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पुष्कर सिंह धामी ने कुछ गिफ्ट किया है वो देख रहे हैं आप, और अमित शाह से भी मिले हैं। और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो पहली बार दिल्ली पहुंचे थे, ऐसे में तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, आलाकमान से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कोरोना के दौरान बेसहारा हुए बच्चों को सहारा देने के लिए शुरू की गई वात्सल्य योजना की मियाद 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। हालांकि दो साल में इस योजना के तहत कोरोना में अनाथ हुए तकरीबन 4000 बच्चों को गोद लिया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस योजना से नहीं जुड़ पाए। और इस संभावना को देखते हुए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस योजना की मियाद 2 महीने और बढ़ा दी जाए, जिससे छूटे हुए बच्चों को योजनाओं का लाभ मिल सके। बहुत जल्द जो है वात्सल्य योजना का एक कार्यक्रम करने के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि लगभग 2 महीने का समय इसमें हम लोग एक्सटेंड करें, ताकि कोई भी बच्चा यदि इससे अछूता रह गया है किसी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग या किसी हो सकता है गैर जानकारी के रिगार्डिंग, तो हमें अपील के माध्यम से या अवेयरनेस के माध्यम से उन बच्चों को 2 महीने का समय देते हुए उनको इससे वात्सल्य योजना से हम लोग जोड़ेंगे।